यार मैंने ना कुछ दिनों से एक डाइट चैलेंज शुरू किया हुआ है, 30 डे डाइट चैलेंज है। तो आपने इसके अंदर दो दफ़ा खाना खाना है, एक सुबह और एक शाम को, और पानी भी सुबह और शाम को ही पीना है, दरमियान में आपने कुछ नहीं करना। कहने का मतलब यह है कि रमज़ान आ गया, तो रमज़ान मुबारक। यार बात ऐसे है कि 5 रोज़े गुजर चुके हैं और वो वाली अभी तक ना वाइब नहीं आ रही, अफ्तारियों वाली वाइब नहीं, वो अफ्तार दावतें होती है ना वो वाली, मज़ा नहीं आ रहा अभी तक। तो मैं असल से कह रहा था कि यार अफ्तार पार्टी पाकिस्तान में होती थी, कभी हमने किसी दोस्त को बुला लिया, कभी किसी दोस्त ने हमें बुला लिया, तो इस तरीके से ना एक कनेक्टिविटी बन जाती थी। तो असद कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें अफ्तार पार्टी देता हूँ। तो आज की अफ्तार पार्टी इसकी तरफ है, सारा कुछ ये खुद करेगा। इसने प्रॉमिस किया है कि तुझे कुछ बनाना भी नहीं पड़ेगा, सामान भी मैं खुद लाऊंगा, बर्तन शायद धोने पड़ जाए। बर्तन शायद, चलो इतना कर सकते हैं, इतना तो बनता है। अच्छा यार बात ऐसे है कि लेक्चर लेने का कोई ख़ास इरादा नहीं है, सिर्फ अटेंडेंस लगाई है, अटेंडेंस लगा ली है फिलहाल। असद जो है ना LRC के अंदर रूम बुक कर रहा है, वहाँ पे जाके हमने अपनी एक असाइनमेंट और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, जो काफ़ी सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं एक सारी महीने, डेडलाइन है। फ्राइडे डेडलाइन भी है, मैं एक महीने से काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ था। मसरूफ़ क्या था, काफ़ी ज़्यादा एंगेज था कुछ जगहों पर, तो वो इश्यूज थोड़े ख़त्म करने के बाद अब मुझे एहसास हो रहा है कि भाई जो असाइनमेंट्स और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन आती जा रही है वो बहुत करीब आ गई है, सर पे आ गई है। वो बादशाह था ना, उसको उसका वजीर कहता रहा कि वहाँ से सिपाही निकल चुके हैं, जंग के लिए आ रहे हैं, फौजें निकल चुकी हैं। वो कहता था दिल्ली अभी दूर है। मेरा भी वही हिसाब हुआ है, मैं ये कहता रहा हाँ हाँ दिल्ली अभी दूर है, फौजें बिल्कुल मेरे सर पे आगे खड़ी हो चुकी हैं, अगले फ्राइडे को सबमिशन है, दिस और फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे। सॉरी लो आप तो फौजें बिल्कुल सर पे आ गई, मुझे लग रहा था कमिंग फ्राइडे है, इस फ्राइडे है भाई। तो आ जाएंगे जाके हर हाल में, अपनी ये जो कमी इस फ्राइडे वाली है इसको तो कंप्लीट करेंगे, इसके बाद फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता काम चल ही रहे। लेकिन गवाह रहे सारी जनता अफ्तार पार्टी इसकी तरफ। यार वो तो बुक कर ले, रूम फुल है सारे, बाहर ही बैठना पड़ेगा, नॉर्मल कॉमन एरिया। भाई साहब बात ऐसे है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं अपना बैग लाया ही नहीं, अब बैग नहीं लाया तो लैपटॉप नहीं लाया, लेकिन काम तो करना ही है। तो हमारी यूनिवर्सिटी इस बारे में भी हमें फैसिलिटेट करती है, वो कहते हैं आएँ अपना कार टाइप करें, हम आपको लैपटॉप देंगे, आप 4 घंटे 5 घंटे जितना भी घंटे आपने काम करना करें, इस लैपटॉप के अंदर हम काम करते हैं, और उसके बाद फिर काम। अच्छा मज़े की बात यह है इस लैपटॉप के अंदर कि जब हम काम कंप्लीट कर लेते हैं, ये इसके अंदर रहता ही नहीं है, ये डायरेक्ट हमारी फाइल्स के अंदर चल जाता है, जो हमारा मेन पोर्टल है, या हमारी मेल्स के ऊपर चला जाता है। लैपटॉप खाली का खाली, एडवांस सिस्टम। अच्छा जी, अभी हम लैपटॉप लोन पे लेने आए, तो ये सबसे पहले यहाँ पे इसने कार्ड टैप करना है, ऑथेंटिकेशन करनी है, इधर सारे टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह बला बला। 4 आवर्स इनाफ है ना? इनाफ है, हाँ कर लो ये 4 आवर में असाइनमेंट। नहीं करेंगे तो अब देखो दोबारा दे ये देंगे। लॉकर की लाइट जलना शुरू, ब्लिंक करना शुरू हो गई, तो यहाँ से हम लैपटॉप निकालेंगे। ऊपर वाला लैपटॉप ज़्यादा अच्छा, सब में एक ही है। नहीं ऊपर वाला और ये हमारा लैपटॉप लोन पे आ गया। क्या सर हमारी असाइनमेंट का टॉपिक क्या बना? प्रिंटेबल टेक्स्ट। अच्छा सवाल है कि अच्छा सवाल है। अच्छा हमें करना ये है कि हमारे पास दो अल्गोरिथम हैं, एक की है CNN और एक है रैंडम फॉरेस्ट, और हमारे पास डेटा सेट है ब्रेन ट्यूमर की ये सेगमेंटेड, रिसर्च मेथड का है ना, ब्रेन ट्यूमर की सेगमेंटेड इमेजेस। अच्छा हमें डिटेक्ट करने हैं कि कौन सा एल्गोरिथम अच्छा डिटेक्ट कर सकता है ब्रेन ट्यूमर और इमेजेस के थ्रू।
मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, असद भी मेहनत कर रहा है, ChatGPT भी कर रहा है, ChatGPT भी हमारे साथ मेहनत कर रहा है, और रोजे में हम मेहनत कर रहे हैं। अब भी अगर यूनिवर्सिटी हमें पास ना करे ना, फिर हमारा कसूर नहीं है भाई साहब। घर जाके ये बहाना नहीं करना है कि मैं थक गया हूँ, तो अफ्तारी नहीं बनेगी, अफ्तारी लाजमी बनेगी स्पेशल। आज मैंने छुट्टी करनी थी, लेकिन असल से मेरे बात ऐसा कहता है, तो टेंशन ना ले, तेरी अफ्तारी आज मेरी तरफ है, तो मैं आज अफ्तारी खाने आया। बेसिकली यूनिवर्सिटी तो मैं आता ही रहता हूँ, बेसिकली मैं आज अफ्तारी की पार्टी करने आया हूँ। अंडे केले ज़रा ट्रॉली ले। यार ये ना एक नया मेथड है, आप वहाँ पे अपना नंबर प्रिंट करते हो, नंबर प्रिंट करने के बाद ये डिवाइस ले लेते हो, डिवाइस लेने के बाद आपने बस स्कैन करते जाना है, चीज़ें लेते जाना है और उसको स्कैन करते जाना है। आप चीज़ें लेते जाओगे, स्कैन करते जाओगे, आपका बिल साथ साथ बनता जाएगा और साथ साथ ही पे हो जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी। केले बड़े या केले केले बड़े हैं यार। तो जैसे जैसे ट्राली आगे बढ़ती जा रही है, ट्राली के अंदर सामान बढ़ता जा रहा। मैं तो मेज़बान हूँ, और मेज़बानी हूँ, मैं मेहमान हूँ, असद मेज़बान है। तो मैं बस बताऊँगा यार, मुझे ना क्रीम चाट पसंद है, कभी कभी मैं मिल्क शेक खा पी लेता हूँ, समोसे पकौड़े अगर हो जाए तो चलो। तो देखो अब असद हमें क्या खिलाता है। यार मज़े की चीज़ है ये स्कैन करो, पता चल जाता है प्राइस क्या है और ख़रीद लो बाद में यहाँ से। ऐसा है कि आलू हो गए हैं, प्याज हो गए हैं, बेसन हो गया है, पकौड़ों वाला जो मटेरियल है ना वो क्लियर हो गया, अब फ्रूट्स वाली चीज़ें रह गई हैं बस। यहाँ से नहीं तो एप्लीकेशन से भी स्कैन किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी यार, यहाँ के ना शॉपिंग का एक सिग्मा रूल आपको बता देता हूँ, जब भी आप शॉपिंग करने जाओ ना तो अपने साथ अपने बैग्स लेके जाओ, क्योंकि ये बैग्स के भी चार्ज करते हैं 15-20 पेंस काम खां के, सिग्मा रूल। ऑलमोस्ट सारा कुछ हो गया, जूस है, जूस मिल नहीं रहा बस, बाकी तो सारा कुछ हो गया। भाई साहब अफ्तारी हैवी होगी, हैवी वाली अफ्तारी। सामान काफ़ी सारा हो चुका है, अफ्तारी खूब बनेगी। और आप कहीं ये समझने की गलती ना करें कि ये वीक का सामान है, ना 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 ना, ये सिर्फ अफ्तारी का सिवाय उस टी बैग को छोड़ के, सिर्फ आज की अफ्तारी के लिए। अब आएगी सबसे सही मज़े वाली चीज़, हमने सारी शॉपिंग कर ली है, लोग लगे हुए हैं लाइनों में जैसे पीछे है, लेकिन हमने लाइनों में नहीं लगना। जो हमने वो साथ मशीन ली हुई थी और असद के पास जो फ़ोन था, साथ साथ हम उनसे कर रहे थे स्कैन, तो अब हमने जो बार कोड है ना वो यहाँ पे स्कैन करना है और बात ख़त्म। मुझे लगा था एप्लीकेशन के थ्रू ना शॉपिंग करने पे शायद हमें पैसे ना देने पड़े। बात ये है कि एक घंटा रह गया रोज़ा अफ्तार होने में, अफ्तारी के टाइम में एक घंटा रह गया, सामान तो हम ले आए, अब कुछ चीज़ें हम कैंसिल करेंगे क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है। हाँ रात को हो सकता है बना लें, लेकिन अभी नहीं। पकाने वाले कपड़े पहन के आने, गंदे हो जाएंगे। पकाने वाले कपड़े,
ये भाई ने रमजान में इंट्रोड्यूस करवाए कपड़े खाने वाले कपड़े शक्ल यार इधर तेरे धब्बे लगे हुए ये है इसके रमजान वाले कपड़े देख रहे हो किचन के कपड़े सॉरी पता नहीं काफी है नहीं एक्स्ट्रा टाइम ले देखते ये अब तुक्का है लेकिन ऐसा तो ना टेंशन नहीं लेनी वीडियोस की सबसे अच्छी बात पता क्या होती है वीडियोस में लोग टेस्ट गेस नहीं कर सकते तो मैं कहूंगा अच्छा अच्छा बहुत मजेगा बहुत मजेगा चूड़ा 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 मसल दो मैंने कहा था ना आपको लग रहा है कि ये वीक का सामान है या मंथ का सामान है ये सिर्फ एक दिन के लिए इफ्तारी है हैवी वाली इफ्तारी ये अहमद भाई हैं ये अभी सेवियाँ बना रहे हैं मैंने इन्हें कहा कि आप वीडियो में आ सकते हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं कैमरा शाय हैं तो ये अहमद भाई हैं अहमद भाई कैमरा शाय हूं हाँ लेकिन फिर भी नहीं आना चाह रहे हैं तो ये अहमद भाई हैं और ये तो अपना असद है ये लेकिन ये अहमद भाई हैं ये अभी सेवियाँ बना रहे हैं अब क्या करूँ मैं बस यही अहमद भाई यहाँ तक है यहाँ तक ये हैं अहमद भाई बाकी सब कुछ तैयार हो गया है यहाँ उम्मीद तो है कुछ बनेगा ऐसे ही उम्मीद नहीं पक्की बात है चलो यहाँ से ना ही समझो फिर चार मिनट बाकी है बस बस छः महीने और उसके बाद क्या उसके बाद निकल रही है ना वो हाँ कमेटी